दोस्तों, जैसा कि मैं हर रोज़ आपके लिए किसी न किसी वैकेंसी की डिटेल लेके आता हूँ, आज फिर मैं आपके लिए MDO रोहतक में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हो सकता है कि आप इस फॉर्म को फिल करने योग्य हों और आपको इस फॉर्म का पता ना लगे। तो इस वीडियो पर बने रहें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि हर एक अपडेट आपको मिल सके। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। इसमें महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म 10/4/2018 से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 अप्रैल 2018 के बीच आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए हार्ड कॉपी आपको यहाँ जो एड्रेस दिया गया है डिप्टी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिश्ड फॉर टीचिंग पोस्ट, यहाँ पर आपको MDO रोहतक में लास्ट डेट के यानी 30/4/2018 के 7 दिन के अंदर अंदर 7/5/2018 तक पहुँचानी है। और अगर लास्ट डेट के बाद कोई भी फॉर्म आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा, और इसमें लिखा हुआ है बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट द कैंडिडेट शुड गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन एंड कैंडिडेट केयरफुली कंडीशन केयरफुली। तो आप पहले वो देख लें कंडीशन, उसके बाद ये अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की डिटेल के बारे में। इसमें टीचिंग स्टाफ की बात करें तो इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी और फिजिक्स। इन सब डिपार्टमेंट में किस में प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकली हुई हैं। ये सब वैकेंसियां टीचिंग से रिलेटेड थी। अब नॉन टीचिंग की बात करें तो इसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 5 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिसमें 3 पोस्ट जनरल की हैं, 1 पोस्ट SC की है, 1 पोस्ट BC की है। अब हम इसमें कितने रुपए फ़ीस फिल करनी है आपको, इसमें 600 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी मेल कैंडिडेट को और 350 रुपये फीमेल कैंडिडेट को। और SC BC को 150 रुपये और फीमेल को 100 रुपये। पे स्केल की बात करें, प्रोफेसर के लिए पे स्केल होगा 37,400 से 67,000 प्लस 10,000 ग्रेड पे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 37,400 से 67,000 प्लस 9,000 ग्रेड पे। असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 15,600 से लेकर 39,100 के बीच और 600 रुपये ग्रेड पे, 6,000 रुपये ग्रेड पे। और इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीचिंग पोस्ट के लिए प्रोफेसर के लिए PhD और एक्सपीरियंस जो भी मांगा गया है वो मैंने डिटेल एडवर्टाइजमेंट नीचे डाल दिया है, तो आप देख लें। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए MSc मांगी गई है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस मांगी गई है। तो ये सब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एडवर्टाइजमेंट की डिटेल डाली गई है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और भी कोई अगर इससे रिलेटेड डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मैं ऐसे ही हर रोज़ आपके लिए किसी न किसी वैकेंसी की डिटेल लेके आता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।